हम लोग हैं टाटा 407 गाड़ी के अंदर, और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बिगिनर्स के लिए कुछ बेसिक सा फंडा जिससे आप गाड़ी को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए, पहले बिगिनर्स का जो मेन प्रॉब्लम होता है वो यह होता है कि ये लोग समझ नहीं पाते गाड़ी का लेफ्ट साइड का चक्का किस पोजिशन पर है। तो इसके लिए एक सबसे आसान सा फंडा ये है कि आप देखिए, ये जो दो वाइपर का पोजिशन आपको दिख रहा है, ये दो वाइपर का बिल्कुल सेंटर पोजिशन पर आप मान लीजिए कि आपका गाड़ी का लेफ्ट टायर उसी पोजीशन पे है। मतलब आप वो जो दोनों वाइपर के जो सेंटर पोजीशन है, उस पोजीशन से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसी लाइन पे आपका लेफ्ट साइड का टायर जा रहा है, तो आप इसको मान सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए, लेफ्ट साइड का मिरर को भी आप देखते रहिए ताकि आपको पता चलते कि आपका गाड़ी लेफ्ट साइड से कितना अंदर या कितना बाहर है। ये हो गया पहला टिप्स। अब आते हैं टिप्स नंबर टू। टिप्स नंबर टू पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें कभी भी गाड़ी को हाफ क्लच में नहीं चलाना चाहिए। हाफ क्लच का मतलब क्या है कि गाड़ी को हमेशा फुल्ली क्लच और फ्लाई व्हील का एक साथ अटैचमेंट होना चाहिए ताकि ये सिंगल यूनिट बन के घूम सके। हाफ क्लच में हम लोग का क्या होता है, हम लोग क्लच को हाफ एक्टिवेट करते हैं, तो ऐसे क्या होता है, क्लच और फ्लाई व्हील दोनों पार्शियली अटैच होता है। तो इससे ज़्यादा क्या फ़र्क क्या होता है, आपका जो क्लच लाइनिंग है वो बहुत जल्दी घिस जाता है और ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। तो इसीलिए हम लोग को कभी भी गाड़ी को हाफ क्लच में चलाना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ पोजीशन से जहाँ पे हम लोगों को क्लच को हाफ पोजीशन में चलाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आप कभी गाड़ी में ढाल में हैं, मतलब तो ऊपर में उठ रहे हैं आप या फिर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, गाड़ी ढाल पे है, तो उसी टाइम अगर आप ब्रेक को छोड़ देंगे तो ब्रेक को छोड़ते ही और ब्रेक को छोड़ना और एक्सेलेटर को पकड़ते ही उसके बीच ही आपका गाड़ी थोड़ा सा आगे या नीचे आ जाएगा। तो इसीलिए क्या करना है, आपको उस टाइम पर हाफ क्लच को यूज़ करना है। अभी हाफ क्लच को यूज़ कैसे करना है ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, आप पूरा क्लच को दबा लीजिए। पूरा क्लच को दबाने के बाद आपने ब्रेक को एक्टिवेट कर दिया और उसी टाइम पे आप क्लच को धीरे धीरे छोड़ते रहिए, ब्रेक को एक्टिवेट करते रहिए। आपका पैर ब्रेक में ही रहेगा, ब्रेक को दिलगुली में मत छोड़ना, और उसके बाद आप क्लच को धीरे धीरे छोड़ते रहिए और धीरे धीरे छोड़ते रहिए। इसके बाद एक पोजिशन आएगा जब आपको पता चलेगा कि गाड़ी का नॉइज़ डिफरेंट हो रहा है। मतलब डिफरेंट मतलब क्या है कि गाड़ी का आवाज़ थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा और गाड़ी का वाइब्रेशन भी ज़्यादा होगा। तो उसी पोजीशन पे आप मान लीजिए कि ये हाफ क्लच हो गया, तो उसी पोजीशन पे आप ब्रेक को छोड़िए और एक्सेलेरेटर को दबाइए। तो इससे क्या होगा, इस पोजीशन पे आपका जो गाड़ी है वो बिल्कुल भी अब आगे या नीचे नहीं आएगा, बल्कि एक स्टैंड बाई पोजिशन पर रहेगा, और उसके बाद आप एक्सेलेरेटर देने पर आप जैसे चाहते हैं ऊपर या नीचे जा सकते हैं। तो एक फंडा हो गया। और एक थर्ड टिप्स ये है कि आप जब भी गाड़ी को बंद करते हैं, तो कुछ गाड़ी में होता है कि पार्किंग ब्रेक आपको नहीं लगाना है लेकिन फिर भी गाड़ी को ऊपर या नीचे नहीं जाने देना है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको गाड़ी स्टार्ट है उसके बाद आप क्लच में दबाइए। क्लच दबा के गाड़ी को फर्स्ट या रिवर्स किसी भी या सेकेंड कोई भी गियर पर आप डाल सकते हो। गाड़ी को डाल के क्लच को दबा के रखिए। क्लच को दबा के रखने के बाद गाड़ी का चाबी का स्विच बंद कर दीजिए और उसके बाद धीरे धीरे आप क्लच को छोड़िए। इससे क्या होगा, आपका गाड़ी एक स्टैंड बाई पोजिशन पर रहेगा, वो ढाल पे होगा तो भी गाड़ी ऊपर या नीचे नहीं जाएगा। ये तीन बेसिक सा टिप्स था, इसको आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।